हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश साई बनो और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल जेन टेक 21। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं फुल एंड डेप्थ रिव्यू विद द अनबॉक्सिंग ऑफ द टेको 24 इंच एलईडी टीवी जिसका मॉडल नेम है MT2500। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एलईडी टीवी के, लेकिन हम बात करते हैं स्पेसिफिक 24 इंच की बेसिक एलईडी टीवी की। तो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है 24 इंच एलईडी टीवी का, लेकिन जो अगर मार्केट में हम और भी प्रोडक्ट्स देखते हैं और भी ब्रांड्स के, तो वो आपको काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं। जो भी मिलते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें इस ब्रांड के बारे में, इस ब्रांड के स्पेसिफिक मॉडल के बारे में, क्या है ये, कैसा है, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वर्थ है कि नहीं, सब कुछ दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आप नए हैं, अगर आप एक टीवी लेना चाह रहे हैं एक स्मॉल साइज की, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लेना चाहिए, तो आई थिंक दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। आपको इस वीडियो को सुन से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस ब्रांड के बारे में माय फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेको काफ़ी न्यू ब्रांड है और ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो प्राइस पॉइंट है आपको एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे सके, उसके लिए ये कंपनी काफ़ी कमिटेड है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फेसबुक का, इनका पेज है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए समय गवाए बिना शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग इसको अनबॉक्स कर चुके हैं। अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ चीज़ें मिली जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चीज़ हमें बॉक्सेस में मिली हैं उसमें आपका ये भी इन्वॉल्व था, जो नीचे स्टैंड आप दो देख सकते हो उसको मैंने पहले ही असेंबल करके आपके सामने दिखा दिया है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको जो मिलती हैं, ये है आपको एक रिमोट कंट्रोल, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये एक नॉर्मल रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पे आपको टेको की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जो बेसिक फंक्शंस हैं जो भी हैं आपको सारे मिल जाते हैं, और ये रिमोट काफ़ी हैंडी है और देखने में अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे आपके जो बैटरीज हैं वो भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बैटरीज दिए गए हैं, ट्रिपल ए साइज़ के दो बैटरी हैं, और ये कुछ यूजर मैनुअल हैं जो कि एक नॉर्मल से गाइड टाइप के हैं। और ये आपके रिमोट के बाद आपको आती है एक वॉल स्टैंड जो कि आपको बॉक्सेस में मिलती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कुछ टीवी ऐसा दिखता है। जहाँ पे आपको फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो बेजल से दोस्तों को ये काफ़ी आपको कम मिलते हैं, से आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, तो नीचे आप देख सकते हो कि ये आपका टेको की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे आपको जो पैनल है ये यहाँ पे मिलता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड आप देख सकते हो कि बैक साइड आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ड्यूअल फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। इस जो टीवी है इसमें आपको जो स्पीकर्स दिए गए हैं आप देख सकते हो कि इस साइड में दिए गए हैं, बहुत सारे टीवीज़ के आपको नीचे बॉटम में दिए रहते हैं, लेकिन इसको पीछे इसलिए दिया गया है ताकि सेफ्टी हो सके। और इसको आप देख सकते हो ये पूरी प्रोटेक्टेड है, जिसके वजह से जो स्पीकर है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक की बॉडी है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसकी जो शेप है आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी है। जो टीवी आता है वो 24 इंच के, वो थोड़ी ड्यूरेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको ड्यूरेबल मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टैंड लगाने का जो वॉल माउंट लगाने की जो प्लेस जगह है वो आपको दी गई है। और पीछे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स एंड बटन्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पोर्ट्स एंड बटन्स में सारे पोर्ट्स जो होते हैं मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक जो होता है वो मिल जाता है, यहाँ पे आपको लीड लगाने की जो फैसिलिटीज है वो मिल जाती है, यहाँ पे आपको HDMI मिल जाता है, यहाँ पे आपको VGA कैमरा मिल जाता है जिससे आप अपने मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मॉनिटर, यहाँ पे आपको ऑडियो आउट मिलता है जहाँ से आप होम थिएटर को यूज कर सकते हैं। और साइड में बात करते हैं यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे नॉर्मल जैसे डीडी नेशनल देखना हुआ एंटीने के लिए तो उसके लिए होता है, लेकिन आजकल ये आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको मिलती है आपको बहुत ही कम टीवीज में आपको डबल USB पोर्ट मिलती है, एक खराब हो जाती है तो आप एक को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं समझता हूँ काफी अच्छी बात है। हम इसको करेंगे टेस्ट यानी कि वीडियो चलाकर थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें USB यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हो
यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके मेन स्क्रीन पर। USB इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको ऑन करना होगा बेसिकली अपने टीवी को। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो आपकी टीवी ऑन हो गई है, ये टेको की ब्रांडिंग आती है आपको। और उसके बाद ये USB देखिए आपका ब्लिंक करने लगा ऊपर 2.0, इसका मतलब कि आपका जो USB है वो चालू हो गया है। इसको यहाँ पे आना है हमें और जो भी हमें प्ले करना है सॉन्ग या कुछ भी वो हम यहाँ प्ले करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपको बहुत शॉर्ट क्लिप मैंने दिखाया, क्योंकि इसका कारण था दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी किसी का वीडियो हम लोग नहीं दिखा सकते। तो हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में आपको बताना चाहता हूँ माई फ्रेंड्स कि ये काफ़ी ठीक टीवी है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स में दोनों की बात करूँगा जनरली, पहली बात दोस्तों अच्छाई की बात करें तो इसको काफ़ी अच्छी खासी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, आपको वॉल माउंट फ्री मिलता है, इसमें आपको A+ ग्रेड पैनल मिलता है, आपको USB to USB कॉपी करने की जो ऑप्शन है वो भी मिल जाती है, आपकी एकदम मिनिमल बेजल है जिससे आपको जो देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा मिलेगा। स्पीकर्स की बात करें दोस्तों स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पीकर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी लाउड साउंड है। उसके साथ साथ अगर हम माय फ्रेंड्स बात करते हैं और चीज़ों के बारे में तो पीछे आपको जितने भी पोर्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आपको दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम बात करते हैं पीछे प्लास्टिक क्वालिटी की तो वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम डाउनग्रेड की बात करें तो मुझे उतना खास कोई ग्रांड डाउनग्रेड चीज़ें दिखी नहीं। अगर हम बात करते हैं माई फ्रेंड्स और ब्रांड्स में तो और ब्रांड्स में आपको सारी चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन जो पैनल है माई फ्रेंड्स वो आपको अच्छी क्वालिटी के पैनल्स नहीं मिलते हैं। जी हाँ माई फ्रेंड्स, आपने सही सुना, क्योंकि उसमें जो होते हैं डेफिनेटली दोस्तों 24 इंच के जो टीवीज होते हैं उसमें आपको मॉनिटर ग्रेड के पैनल मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले यूज हो चुका है पैनल, उसको रीयूज करके कंपनी जो है नए में बेचती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये फ्रेश आपका पैनल मिलता है जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। और जो लॉन्ग रन में अगर हम आप देखते हो तो दोनों पैनल कंपेरिजन कराओगे तो आपको ये पैनल काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल दिखेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसमें आपको वारंटी है जो वो आपका होम विजिट नहीं है, ये इसके अथोराइज सर्विस सेंटर में लेके जाना होगा, या अथोराइज सर्विस सेंटर जो भी है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा एक इन डेप्थ क्विक अनबॉक्सिंग एंड द रिव्यू ऑफ द टेको 24 इंच LED TV बेसिक। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।